Yes. Very good evening to my class 8. So how are you all? I hope all are fine. Yes. Enjoying the weather? Yes, ma'am. Yes, good. So we were doing exercise 9.4 at question number 8. So the first part is 4x plus 7y ka whole square minus 4x minus 7y ka whole square is equal to 111xy. Hanji beta. Homework. Yes. होमवर्क आपने किया था? होमवर्क एक बार नो मैम मेरे से हुआ नहीं, मैंने ट्राई किया था. ओके नो इश्यूज बेटा, ये बहुत इजी था. मैं वही कह रही हूँ कि क्रेडिट आपने मुझे दे दिया. देखो अब क्या है, इट्स ए, ये ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लगाना है. तो हमने बस उसको ओपन अप किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, राइट. तो ए बी इंटू बी सी क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर सी. तो वो हमें माइनस में भी गिवन है, वो दोनों चीजें स्ट्राइक आउट कर गई. सो हमारे पास आंसर एज एन आंसर क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट. चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. अब इसमें बेटा हमने क्या करना है, ये आपका है एल एच एस, राइट, और ये है आर एच एस. आपको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है. ओके निखिल, कैन यू सी, इक्वेशंस लगेंगी? नहीं लीनियर इक्वेशन नहीं, हम अलजेब्रा ही. अब ये बताओ जो है कौन सी आ ए प्लस दो, हम यहां पे लिखे हैं एल एच एस, ठीक है, हम आगे लेंगे. ओके मतलब हम सोच रहे थे कि इसका टाइम वाइज पर, राइट राइट, ये अब यस नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने मैं स्ट्रेट अवे लिख रही हूँ, आपने अपनी नोटबुक में जब सॉल्व करोगे इसको प्रॉपरली करना. तो यहाँ पे आ गया सी माइनस ऐसा क्वेश्चन आना है, इसीलिए आई एम जस्ट क्वाइट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है